तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग A52s में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जिसके अंदर One UI 6 का बीटा अपडेट रिलीज हो चुका है कोरिया के अंदर, आज उसी के अंदर कुछ नया अपडेट आई है, हो सकते हैं कुछ न्यूज आई है उसी से रिलेटेड आगे आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि One UI 6.0 का बीटा अपडेट रिलीज हो गया था कोरिया के अंदर, जो कि एक दो हफ्ते पहले रिलीज हो चुका था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब न्यूज ये आ रही है कि जो One UI 6 का जो बीटा अपडेट है सैमसंग A52s के लिए, इंडिया में रिलीज नहीं होगा। इंडिया में सीधा सीधा स्टेबल वर्जन आएगा इसका। इसमें One UI 6.0 का बीटा अपडेट A52s का इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि आज ही उसके अंदर जो कोरिया का जो मैंने बताया था, जिसमें One UI 6.0 बीटा 1 अपडेट रिलीज किया गया था, आज उसी के अंदर One UI 6.0 का बीटा 2 अपडेट रिलीज कर दिया गया है, जो कि 800 कुछ MB का आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा के बता रहा हूँ कोरिया का। अब यहाँ कहने की बात यह है, साउथ कोरिया में इसको रिलीज किया गया है। इसके अंदर जो कि पहले वाला अपडेट आया था कुछ हफ्ते पहले ही आया था, और रिसेंटली ये अपडेट आ चुका है। अब इसमें एक चीज आ रही है कि इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है स्टेबिलिटी को और डिवाइस के परफॉर्मेंस को यहां पर इंप्रूव किया गया है, और कुछ जो भी बक्सेस होंगे पहले वाले बीटा वर्जन में उसको भी यहां पर फिक्स आउट किया गया है, क्योंकि इसका जो अपडेट साइज है कुछ ज्यादा एमबी का नहीं है, 854 MB का। अगर इसमें पूरा कुछ ज्यादा नए चेंजेस होते तो इसका साइज ओवर होता, बट इसका साइज 854 है, तो उस हिसाब से लगता है कि इसके अंदर कुछ बक्सेस फिक्स किए गए हैं और कुछ इम्प्रूव इनहांस इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, कुछ इम्प्रूव फीचर्स किए गए होंगे, और जैसा कि आपको पता है बीटा वर्जन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसको भी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया गया होगा। अब बात करें कि इस अपडेट का मतलब क्या है, कि अपने इंडिया में इसका क्या फायदा होने वाला है, तो अपने इंडिया में यह फायदा होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैमसंग ने One UI 6.0 स्टेबल वर्जन ऑफिशियली रोल आउट कर दिया गया है सभी मोबाइल्स के लिए, पर धीरे धीरे इसके सबको अपडेट आने चालू होंगे। तो अनुमान यह कह रहा है, या बोल सकते हैं रूमर्स ये कह रहे हैं कि One UI 6.0 का जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो A सीरीज के A52s में कंफर्म आने वाला है, और वो नवंबर में आने वाला है। जैसा कि आपको बताया कि सैमसंग हर मंथ सिक्योरिटी अपडेट देता है हर डिवाइस के लिए, जैसे कि A52s के लिए भी आया था प्रीवियस मंथ आया था, तो अब जो भी नया अपडेट आएगा A52s के लिए वो नया अपडेट होगा सैमसंग A52s के लिए, वो कंफर्म ही One UI 6.0 का स्टेबल वर्जन होगा, और ये बहुत जल्दी आने वाला है। पहले सैमसंग के S23 में तो आ चुका है, S22 में आएगा, सैमसंग के Z सीरीज में आएगा, और A सीरीज में, A54 में, A53 में, और A52 और A52s 5S में रूमर्स के हिसाब से आने के चांसेस हैं। तो यही कुछ नया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं कि कब सैमसंग A52s के अंदर एंड्रॉइड 14 या One UI 6.0 का अपडेट आएगा। जैसा कि न्यूज़ आई मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही कन्फर्म आएगा तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल ही जाएगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले, और व्हाट्सएप पर भी मुझे फॉलो कर लेना। इतना सब कर ही लिया है तो हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।